जय गुरुदेव। इस समय मैं वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के वेन्यू पे खड़ा हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे 11-12-13 मार्च 2016 को WCF का आयोजन किया गया था। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरफ, यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है, वो जगह है जहाँ पे हमारा WCF का स्टेज था। देखिए यहाँ से लेकर तो पूरा आगे तक, जहाँ देख सकते हैं वो आगे तक स्टेज का रहा था। सामने आपको DND एक्सप्रेस वे भी दिखेगा। उस स्टेज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अपने आप में एक अद्भुत स्टेज था वो। उस स्टेज को बनाने में रिकॉर्ड 50 दिनों का रिकॉर्ड टाइम में वो स्टेज बना था और 28 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में वो स्टेज जो है डिसमेंटल हुआ था, यानी कि उतारा गया था। और वो स्टेज अद्भुत था, अपने आप में एक आर्किटेक्चर मार्वल था, बिकॉज वो एक फ्लोटिंग स्टेज था। माने किसी भी स्टेज को बनाने के लिए, खासकर 7 एकड़ जितने बड़े स्टेज को बनाने के लिए, जमीन के अंदर काफी गहराई तक नींव बनाने के लिए खुदाई की जाती है। इस स्टेज को बनाने के लिए किसी भी तरह की खुदाई हमने नहीं की, और इसका सबूत जो है सामने है कि वही जगह है जहाँ स्टेज था। आप देख सकते हो यहाँ की मिट्टी एकदम इंटैक्ट है। देखिए यहाँ पे घास कितनी है, यहाँ पे घास वैसी की वैसी, इनफैक्ट उससे ज्यादा है, बिकॉज हमारे पास पहले की वीडियोस भी हैं, उसमें इसमें कंपेयर करें तो मुझे घास बहुत सारी ज्यादा दिख रही है। और देखिए 1 फुट लंबी घास मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे भी ये घास है कि कितनी बड़ी। देखिए सारी घास वैसी की वैसी है और मिट्टी भी इंटैक्ट है। अगर यहाँ पे किसी तरह की खुदाई की होती या नुकसान होता तो ना यहाँ पे घास होती है, ना यहाँ पे इस तरह की जमीन साफ मिट्टी होती। इसका ये पूरा सबूत है कि स्टेज के खड़े होने के बावजूद भी ये घास वैसी की वैसी है, इसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पे पेड़ काटने की बात हो रही थी, घास के एक तिनके तक को नुकसान नहीं पहुंचा, तो पेड़ तो बहुत दूर की बात नहीं। छोटा छोटा जो लिटर है, जो कि लेबरर्स जो साफ सफाई कर्मचारी थे, उससे छोटा छोटी चीजें रह गई, वो अभी हम लोग सब इसको इकट्ठा करके इसको डाल रहे हैं। देखिए अब छोटे छोटे, जैसे छोटा सा एक कागज है, कागज का टुकड़ा है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, ताकि ये जो माइक्रो चीजें हैं वो भी ना रहे, यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाए। तो ये हम सब मिलके यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, पूरे मैदान में स्प्रेड आउट है और हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे किसी तरह से लगता, अगर मुझे ये ना बताया जाए कि ये जगह है जहाँ पे WCF हुआ था, तो मुझे लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा आयोजन, जिसमें 37.5 लाख लोग जो है पूरे विश्व से यहाँ पे आए, इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे हो गया और ये जगह अभी की अभी बिल्कुल वैसी ही, बल्कि उससे ज्यादा जो अभी हरी है, उससे ज्यादा ग्रीन है। ऑल ग्रीन बेसिकली, देयर इज नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ एनी लिटर, एनी गार्बेज। तो बहुत सारे लोगों ने, मिस इन्फॉर्म लोगों ने, अज्ञानतावश बहुत सारे ग्रुप्स ने, मीडिया में भी इस बात को हमारे पे इल्जाम लगाया गया कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं बोलना चाहता हूँ एकदम झूठ बात है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके सामने ही है, ये वेन्यू पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इनफैक्ट हमने गुरुदेव से प्रेरणा लेकर देश में नहीं, पूरे दुनिया में पर्यावरण का उत्थान करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने आज से पहले भी किए हैं और आज के बाद भी हम लोग करते जाएंगे। हमने अपने देश में बहुत सारी नदियों को रिवाइव किया है, यानी कि हम सोशली और एनवायरमेंटली अवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और हम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जहां पे भी किसी तरह का भी हमको कुछ गड़बड़ लगती है, हम खुद वहां पे जाके उसकी जिम्मेदारी लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद उसको ठीक किस तरह से किया जाए। हमारे वॉलेंटियर्स, हम वहां पे प्रेरणा लेके हम वहां पे जाते हैं। तो एकदम गलत है, सरासर झूठा आरोप हम पे लगाया है, और हम इसको मजबूती से, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, और जो झूठ है, झूठ का पर्दाफाश करके, और हम सत्य को सबके सामने लेकर आएंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप सबके साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज आज के जमाने में क्या है कि जो सच होता है उसको लोगों तक पहुंचने में का जो मीडिया का माध्यम है, उसमें शायद थोड़ी सी देर लग जाती है। तो ये जो आपके सामने ये सब चीजें साफ है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लग सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।